dear students good morning today we are going to discuss next topic based on models models is a very important topic to be asked in all the board exams and all the competitive exams models are also known as modal verbs or secondary auxiliaries models I have written some words here on the left side of this whiteboard. This is the present form and this is the past form of modals. Let us have a recap can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, used to, need, and dare. These 13 words. आर नोन एज मोडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर दे आर नोन एज मोडल्स दे आर यूज टू फॉर्म मूड्स और कंसेप्ट टू टेल टू एक्सप्रेस द कंसेप्शन ऑफ माइंड इन सभी तेरह शब्दों का इस्तेमाल हम इंग्लिश ग्रामर में या तो मूड फॉर्म करने के लिए कहते हैं या फिर कंसेप्शन एक्सप्रेस कंसेप्शन ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं एक बार जब आप इन तेरह वर्ड्स को याद कर लेंगे तो एक कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा कि कैन कोड मे माइट शैल शुड विल वुड ऑट टू मस्ट यूज टू नीड डेयर दीज वर्ड्स आर मोडल्स अनलाइक प्राइमरी ओग्जरीज दे कांट बी यूज As ordinary verbs, except a few, except need and dare. They can't be used as main verbs in sentences. They are used as helping verbs. There are certain features of models. In the introductory period, let us revise what are the features of models. How do they behave in sentences? सेंटेंसेस में इन मॉडल्स का क्या रोल है किस प्रकार से ये बिहेव करते हैं एक बार उसके बारे में हम अच्छे से जान लें व्हाट आर द फीचर्स व्हाट डू दे टेल व्हाट डू दे टेल दे टेल द कंसेप्शन ऑफ माइंड रिलेटेड विद ड्यूटी एबिलिटी पॉसिबिलिटी परमिशन ऑब्लिगेशन एटसेट्रा ये इन्हीं को प्रकट करते हैं ड्यूटी ऑब्लीगेशन परमिशन पॉसिबिलिटी एबिलिटी ऑफ समवन इनको ये एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में तो वाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडल्स फर्स्ट इज मॉडल्स डो नॉट चेंज देअर फॉर्म्स विद नंबर्स ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट अगर कोई सेंटेंस लिया हमने उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है इट डजेंट मैटर उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इट ऑल्सो डजेंट मैटर इन केस ऑफ मॉडल्स बिकॉज मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर या फिर उसका पर्सन चेंज हो जाता है उससे मॉडल कभी चेंज नहीं होता यह बात पहली फीचर है मॉडल्स की सेकंड ओनली फोर मॉडल्स हैव देअर पास्ट फोर्म्स ये जो थर्टीन मॉडल्स मैंने आपको यहां बताए इनमें से केवल ये चार कैन मे विल शेल दे हैव देयर पास फॉर्म्स कैन गुड मे माइट विल वुड शेल शुड बाकी जो हमारे पास पांच मॉडल्स बचे कौन कौन से मस्ट ऑट टू यूज टू नीड एंड डेयर दे हैव नो पास्ट फॉर्म्स हमें दो बातें पता चली मॉडल्स डू नोट चेंज विद द चेंज इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट सेकेंड ओनली दीज फोर मॉडल्स हैव दे आर पास्ट फॉर्म्स अदर फाइव मॉडल्स हैव नो पास्ट फॉर्म्स मॉडल्स आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब As we have discussed in case of primary auxiliaries be, do, and have, they can act in both ways as ordinary verbs, means main verbs, or as helping verbs in the sentences. But modal auxiliaries do not have the use as main verb in the sentence except need and dare. These 11 modals are used as only helping verbs. Now means every model is used, every modal verb is used before the first form of verb. Modal verb plus V1. This is the structure of use of models in a sentence. Fourth is ought and used. These two models are followed by or, to is preceded with used and ought as modals. Ought plus two infinitive means to v1, and used to is a different modal verb which is used in past tenses only to show the habit, to express the habit of someone, habit of past. And need and dare, these two models. these two two words are used as ordinary verbs as well as modal verbs in sentences that's why need and dare these two modals are known as semi modal verbs or semi modals हमने अभी तक डिस्कस किया मॉडल्स मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं कौन-कौन से मॉडल वर्ब्स की पास्ट फॉर्म होती हैं किसकी पास्ट फॉर्म नहीं होती हैं कौन कौन से मॉडल्स मेन वर्ब के रूप में यूज किए जा सकते हैं केवल दो हैं नीड एंड डेयर एक्सेप्ट नीड एंड डेयर ऑल द मॉडल्स आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब्स इन ए सेंटेंस बिफोर द मेन वर्ब दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स नाउ वी शैल डिस्कस द मॉडल्स एंड देर यूज वन बाई वन इन कंपेरिजन टू दर मॉडल्स बिकॉज यूज ऑफ मॉडल्स इज सिचुएशनल इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन वो क्या सिचुएशन होगी किस प्रकार से हम मॉडल्स का यूज करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में वो हम सीखने जा रहे हैं हर एग्जामिनेशन में मॉडल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं तो आइए हम कुछ मॉडल्स को वन बाय वन कंपैरिजन करते हुए सीखते हैं ताकि आप कभी भी मॉडल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई भी गलती ना करें